जैसे हम तो ये जानते हैं कि ये लोग एथिस्ट जो है वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान कहा गया है कि इन लोगों ने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है, यानी वो खुदा तो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपने नफ्स को खुदा बना लिए हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो खुदा को मान ही रहे हैं, लेकिन जैसे और लोग मान रहे हैं कि किसी अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं अपने हिसाब से, तो ये लोग भी अपने नफ्स को ही खुदा बनाए हुए हैं, तो ये जी भी तो बिलीवर हुए एक हिसाब से। जी मैंने कहा कि वो उस खुदा की इनकार करते हैं जिसका तस्वीर हमारे जहनों में है, जिस खुदा को हम और मान रहे हैं, जिस खुदा को आसमानी किताबें मान रही हैं, थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में यूज़ किया रहे इस वर्ड को, तो खुदा का जो तस्वूर बाइबल में है, खुदा का जो तस्वूर कुरान में है, या दो तस्वूर तोरा में है, या दो तस्वूर हिंदू मत की दूसरी किताबों में, खुदा का जो तस्वूर बिग जी वाला गॉड से, वो तस्वूर जो जो पुरानी जो आसमानी किताबों में है, या इंसानों ने जिन किताबों को वज़ा किया है अपने धार्मिक टेक्स्ट बुक के तौर पे, खुदा का जो तस्वूर इन किताबों में, उस खुदा का भी इनकार करते हैं। बाकी कुरान ने कहा अफराई तमनी तख्ज इला हो हवा हो, क्या आपने ही नहीं देखा कि साहब अपने ख्वाहिश को खुदा बना डाला है। तो मैंने कहा कि ये बुनियादी वजह उसकी ख्वाहिश परस्ती उसकी खुदाइत है, उसका खुदा है ये पहले ही वजह है उसका, वही दीन का डिफेंडर है, अलग अलग है। दीन का तस्वूर क्या है हमारे नज़दीक, अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम ही मकबूल है, बाकी दीन उसके अलावा भी है। उसका एक और सवाल है, मैंने नोट किया, आपने कहा कि कुरान ने कहीं भी ये नहीं कहा, यानी जो एथिस्ट है उनको दाद देने का या उनको एड्रेस नहीं किया है, तो कुरान में ये आयत है कि क्या इन लोगों ने अपने आप को बना लिया है, अपने आप को पहली बात तो ये है कि हम उसके अकीदे को रिफ्यूट कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को खुद बनाया है या नेचर ने हमको बनाया है? उनका जो दावा है बनाने के ऊपर, वो तो हमारे उस सब्जेक्ट से बाहर की बात है। खुदा के तल्लुक से उनका क्या नजरिया है, उसके तल्लुक से हमने गुफ्तगू की है। कुरान मजीद ने कहा, कुरान मैंने कहा ये तो बिल्कुल फितरत की आवाज़ है। कुरान मजीद एक ले मैन से लेकर के प्रोफेसर तक को खिताब करता है, देखिए हाजा खलकुल्लाह फअरूनी माजा खलकल्लज़ीन मिन दूनी, ये उसका प्रेजेंट करने का तरीका है। कहा कि हाजा खलकुल्लाह, ये खुदा ताला की तख्लीक है, ये है अरूनी, इसे दिखाओ और उसे दिखाओ जो तुम्हारे माबूद ने पैदा किए। एक सिंपल सा आदमी तो ऐसे ही सवाल कर सकता है, हाजा खलकुल्लाह फअरूनी माजा खलकल्लज़ीन मिन दूनी, कहा अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, ये तरीका कुरान ने बताया है। लेकिन जो आज के मुल्हिदीन है खासतौर से, ये अपने फुल माना में उस वक्त मौजूद नहीं थे। कुरान मजीद में जितनी भी आयात हैं वो अल्लाह ताला की रुबूबियत की दलील कुरान में दिया ताकि उलूहियत तक पहुंचाया जा सके। वो खालिक है, वो राजिक है, वो आसमान ज़मीन की तदबीर करता है, सब कुछ करता है, तो रुबूबियत की दलाइल देकर के कुरान मजीद हमको पहुँचाना चाहता है उलूहियत तक, इयाक नअबुदु वइयाक नस्तईन तक, मालिक यौमिद्दीन कहकर, रहमान रहीम कहकर, रब्बुल आलमीन कहकर पहुँचाना चाहता है, इयाक नअबुदु वइयाक नस्तईन। तौहीद के दलाल मौजूद हैं रुबूबियत के, कुरान मजीद की सब सारी आयात 500 के अलावा, वो 500 में भी इंसान ड्राइव कर सकता है खुदा ताला की आयत को, उसके करिश्मे को, उसकी कुदरत को, लेकिन ये यूनिवर्स से बहस करने वाली दुनिया की आसमान किताबों में कुरान मजीद ही वो किताब है जो डायरेक्ट यूनिवर्स से बहस करती है, चंद आयतों को छोड़कर। हर आयत में आयत आयत क्यों है? क्योंकि उसकी हर आयत खुदा के वजूद पर दलील है। आयत को आयत कहते ही है कि इन आयत आला वजूदिल्ला, वो खुदा ताला के वजूद के ऊपर दलील है, इस वजह से आयत है। कुरान मजीद क्या है? हर चैप्टर में अफला यालमून ताकिलून ततफक्करून यतफक्कहून है, गौर फिक्र की कुरान मजीद दावत देता है। तो गौर फिक्र का सबसे बड़ा हामी इस्लाम मजहब है, कुरान है। जैसे आपने कहा नींद की बात, की नींद एक तरह की मौत है ना, जैसे कोई कोई जैसे कि एथिज्म के बाद से एक्सेप्ट क्या होता है उसको एक्सेप्टिज्म जिसको कहते हैं ना, इसको वाले वो क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जो है नींद में जो आदमी जाके सपना देखता है, तो क्या हम लोग अगर हो सकता है कि हम यहाँ पे आए हैं और हम लोग सपने में है, हो सकता है अगर जो हम लोग तुम लोग जिसको मौत कह रहे हो दूसरा डायमेंशन में वो जिंदा हो जाए, जैसे तुम लोग कहते हो मौत मरती है, कहते जैसे तुम नींद में रहते हो तो क्या होता है कि शॉर्ट एंड टाइम में तुम वो देखते हो ना, क्या बोलते हैं सपना देखते हो, अगर तुम नींद में रहते हो वहाँ पर सपना देखने के बाद क्या होता है फिर तुम दूसरा डायमेंशन में जाते हो, मतलब कि तुम्हें एहसास नहीं होता है। वैसे अगर तुम जो यहाँ दुनिया में आए तो क्या तुम हो सकता है कि तुम ड्रीम में एक जी रहे हो, तुम कैसे प्रूव करोगे कि वाकई तुम ड्रीम में नहीं जी सपने में नहीं जी रहे हो या तुम जो रियलिटी यहाँ पे है तुम्हारा, तो कैसे आप इसको डिपेंड करेंगे कि वाकई जो आप ड्रीम में नहीं जी रहे हैं, आप जो है वाकई आपको जो है एक टाइम शॉर्ट एंड टाइम में जी रहे हैं जो एक रियलिटी है, तो उसको कैसे डिपेंड करेंगे? ड्रीम की जो जिंदगी है इंसान की, वो एक्चुअल जिंदगी लाइफ से बिल्कुल ही जुदा है। वो तो वो आदमी जो सवाल कर रहा है उसको खुद पता है।
आप ड्रीम की जिंदगी, ड्रीम की हालत में जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, उसमें आपको साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली गुफ्तगू करें तो आपके जिस्म के बहुत सारे आज़ा जो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो रियल लाइफ और ड्रीम की लाइफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके ऊपर उसको इस पर कयास करना और इसको एनालॉजी बनाना तो गलत है ना। सवाल ये भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे क्या एक जो है ड्रीम में क्या होता है आप कहीं भाग रहे हैं ये कर रहे हैं मतलब कोई आपको दौड़ा रहा है, इसे करके एक सवाल आता है उनका वहाँ पे मगर क्या होता है कि हम बाहर एक्सटर्नली हम लोग बैन कर पा रहे हैं कि ये जो है भाग रहे हो तुम, मगर तुम अगर उसी में रहो, तुम अगर ड्रीम में रहोगे तो उसमें तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वाकई मैं क्या कर रहा हूँ, या वो तो एक्सटर्नल पर्सन बताएगा ना। तो वैसे जो तुम अभी दुनिया में हो तो तुम कैसे खुद को बैन कर रहे हो कि वाकई मैं ड्रीम में नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो ड्रीम में रहते हो तो एक्सटर्नल पर्सन बता रहे कि वाकई तुम ड्रीम में हो। यहाँ पे जो तुम सब अगर ड्रीम में हो, अगर सभी ड्रीम में है तो कैसे बताएगा कि हो कि तुम एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा कि वाकई तुम ड्रीम में नहीं हो, तो उसका ऐसे सवाल होता है। ऐसे खैर वो मैंने आपको बताया कि जो जो रियल लाइफ हमारी जो कॉन्शियसफुल जो लाइफ है उस टोटली हमारे ड्रीम से बिल्कुल ही अलग है। ड्रीम वाले के इसके ऊपर एनालॉजी बनाना ये गलत है क्योंकि इसको कई तरीक़ों से साबित किया जा सकता है। बताया गया मैंने कहा कि बायोलॉजिकली भी इसका आप जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से क्या जो हम इसको अगर इंसान अगर इसको ड्रीम समझे, अपनी सारी ज़िंदगी को ड्रीम समझे कि पता नहीं ये ख्वाब है जो कभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई ज़िंदगी शुरू हो या ना हो, क्या हो नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए इसको साबित करने के लिए कुरान मजीद ने भी और कुरान मजीद के अलावा बाकी दुनिया के बहुत अवसर मजाहिब के लोगों ने भी इसको समझाने की कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों को कि इंसान की इस ज़िंदगी को साबित करने के लिए कुरान पाक ने जो इंसान का जो मकसद वजूद बयान किया है उसका अब मुताला करें, उसको देखें इंसान क्यों आया, कैसे आया है, क्या इंसान ड्रीम के लिए, ड्रीम जो इंसान की होती है क्या इतना पर्पसफुल हुआ करती है इंसान सोने से पहले, इतने मकसद की मकसदियत के साथ और मरकजियत के साथ ये सब चीज़ें का प्लानिंग कर सकता है। तो इस तरह से उनके जवाब दिया जा सकता है। जैसे कि सतगुरु एक है वो अपना मौत के बारे में जो हम लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट देते हैं ना मौत का, कि जैसे कि हम मरने के बाद जो है वो होते हैं क्या बोलते हैं मर जाते हैं हम लोग फिर जिंदा होंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि ये जो मौत जो है ना ये रियलिटी मौत नहीं है, मतलब कि तुम जो मरते नहीं हो, क्या होता है कि वो तुम दूसरा डायमेंशन में चले जाते हो, तो क्या उसको कैसे जवाब देते कि तुम दूसरा मौत का डिफिनेशन खुद ही अब जाहिर कुरान में लफ्ज़ आया मौत का डिफिनेशन, तो ये कुरान का अपना बेसिक साइंस मतलब साइंस को टकराना नहीं है, वो तो इंसान का उसका टॉपिक है कुरान मजीद का हिदायत की किताब आई है ना। मौत क्या है आप इसा तो समझे कि हर एक छोटी जिंदगी से बड़ी तरफ जाने का नाम है मौत। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अल्लाह ताला ने जो हमारा सिस्टम बनाया पैदाइश का, यानी उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 महीना है तुम्हारे पेट में ज़िंदगी, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीना 10 दिन 5 दिन इस तरह से होता है, कोई डिफरेंस भी हो सकता है होता रहता है। तो कम से कम मुद्दत क्या है माँ के पेट में, उसके बाद जब इंसान नॉर्मली यहाँ पर ज़िंदगी बसर करता है तो कितना 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, तो इससे ये ज़िंदगी बड़ी हुई, ये फेज़ इसका क्या हुआ बड़ा हुआ। इसके बाद जब इंसान इंतकाल करके जो बरज़ख जो आलम बरज़ख है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बरज़ख की उम्र इससे कहीं ज़्यादा लंबी है, और उस बरज़ख के बाद जो आखिरत का मरहला शुरू होने वाला है नफ़खतुल बास के बाद और नफ़खते साअत के बाद, कुरान में जो दो नफ़खा दो मतसूर फूका जाएगा उसमें नफ़खतुल फ़ज़ा है या नफ़खतुल बास है, उसके बाद की जो ज़िंदगी आखिरत की वो है अनलिमिटेड ज़िंदगी। तो हम जो जिस सेंस में मौत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो इंसान उसको मौत नहीं मानता है तो न माने, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इस ईमान में क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसे कुरान की किस आयत के अंदर आता है कि मौत की डिफिनेशन कुरान ने तो नहीं की मरना है। अब मरने की तारीफ एक साइंटिस्ट क्या कर सकता है, डॉक्टर कैसे कर सकता है, किन चीज़ों किन ऑर्गेन का क्लोज हो जाना काम न करना मौत कहलाएगा, किन ऑर्गेन की मौत कब होती है, चंद सेकंडों में 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद, लीवर हार्ट कब तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, तो हर ऑर्गेन की मौत अलग अलग है, मौत के डिफिनेशन में इख्तलाफ हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो करेगा, हम नहीं मरते हैं दोबारा जिंदा होने पर है इख्तलाफ यहाँ दुनिया में आने के लिए, लेकिन बासबादल मौत को दोबारा जिंदा होना है ये भी मुतफ़क़ल है, बासबादल मौत उसी का नाम ही है। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो सब्जेक्टिव कुरान ने और इस्लाम ने छोड़ दिया है, यानी जो जिसके इंसान जिसके ऊपर इंसान रिसर्च करेगा जो अकल के दायरे के अंदर आ सकती है, जैसे जैसे रिसर्च का काम बढ़ेगा वैसे उस इंसान का ईमान मजीद मुतमईन होता चला जाएगा, ये फिर इस्लाम ने छोड़ दिया क्योंकि ईमानियात का वो ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इस वजह से आपने ये कहा जैसे कोई इनकार कर दे कि सूरज नहीं घूम रहा है तो इसमें ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, या जमीन को कह दे कि नहीं घूम रहा है या जमीन फ्लैट है कोई कह दे तो ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन जब कुरान कह रहा है कि ये सारे घूम रहे हैं और किसी ने इनकार कर दिया कि नहीं मानता मैं ये नहीं घूम रहा है, तो फिर क्या ये आयत का इनकार नहीं हो गया, कुरान का इनकार नहीं हो गया? पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुल्लुन फी फलकिन यसबहून,
उर्दू में हमने तर्जमा किया है, वो सब घूम रहे हैं, गर्दिश लगा रहे हैं, ठीक है जी। आप उसको इंग्लिश में क्या तर्जमा करेंगे, ऑर्बिट में फ्लोटिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे, फ्लोटिंग देयर ऑर्बिट, इस तरह कर सकते हैं। तो लफ्ज़े यसबहून उसकी कतई माना क्या है, ये तो सब्जेक्टिव है ना ये वर्ड, उसका कतई माना क्या है, घूमने घूमना कैसा घूमना है, हो सकता है वो किसी और तरह के घूमने को मानता हो, या आप जो घूमना मान रहे हैं कुरान का वो मतलब ना हो, आप कुरान की आयत में ज़बरदस्त से अपना लुकमा तो नहीं डाल सकते कि मैं जो समझ रहा हूँ घूमने की जो कैफियत जो घूम रहा है तू, तो उस माने में घूम रहा होगा। इन चीज़ों को ईमान से जोड़ा ही नहीं, ये अलग बात। कुरान के कुछ अल्फाज होते हैं जो कतई दलाला होते हैं, अब्सोल्युटली उनकी जो है ना दलालत होती है, जिसमें कोई इख्तलाफ, जैसे दो दो चार होता है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ मसायल हैं जो साइंस के दायरे में आ सकता है, वो जैसे जैसे रिसर्च होगा हर ज़माने के अतबार से कुरान कंपेटेबल है, इसी वजह से अव्वल ज़माने के लोगों ने जो समझा। अब ये बताएं कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला से जाकर पूछें कि सूरज नहीं घूम रहा है, तुम लोग पता नहीं है कि भी ईमान वो है जो पता ना हो तब भी आप तो काफिर है ना, बात नहीं समझे। ईमान का ज़रूरी हिस्सा वो है कि आपको बताना है तब भी आप मुश्रिक काफिर हैं, आपके ऊपर पता करना ज़रूरी है ईमान क्या है, खुदा को तलाशना आपको ज़रूरी है वो क्या है। तो अगर इसको ईमान से रिलेट कर दिया जाए तो सहाबा जिनके ज़माने में कुरान पाक उतर रहा है उनका क्या हाल होगा, ये साइंटिफिक हकीकत को इनकार करेंगे तो उनका आलम क्या होगा। कुरान करीम के सबसे पहले मुखातब तो सहाबा है, उन्होंने कुरान को जैसे समझा, सैयारा का लफ्ज़ कुरान में, आज के जदीद अरबिक में सैयारा कहते हैं गाड़ी को, सहाबा के ज़माने में जात सैयारा उनका मतलब ये होता कि काफिला आया, जदीद ज़माने के मॉडर्न अरबी के सा घड़ी, उस ज़माने की अरबी के सा क़यामत को, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कहा गया है। तो ये बढ़ते हुए ज़माने में लफ्ज़ों की जो डिफिनेशन है उसका दारोमदार ईमान के ऊपर रहने रहने से कुछ भी नहीं है, ये सब्जेक्टिव वर्ड है, हर ज़माने का टाइम और स्पेस के हिसाब से इसका डिफिनेशन अलग हो जाएगा। ईमान रखना है, ये कुरान मजीद की आयत है, ये आपको ईमान रखना है। यसबहून कैसे तैर रहे हैं, नहीं तैर रहे हैं वो हमको पता नहीं है, यसबहून है क्योंकि अगर ये लाजम कर दिया जाए तो खैरुल कुरून के लोग हैं वो बेचारे तो महरूम हो जाएंगे ना इस फजीलत से, और सबसे बेहतर तो वही लोग हैं हमको जिनको फॉलो करना है जी। मेरी तरफ से है।